नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे जो स्टॉक्स ब्रेकआउट देने वाला है, तो उसमें एक बेहतरीन स्टॉक है जो कि ब्रेकआउट देने वाला है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ये स्टॉक फिर से आपको इस लेवल पर नहीं मिल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक और गिरावट दिखाए फिर आपको नीचे लेवल पर मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि स्टॉक आपको नीचे के लेवल पर नहीं मिलेगा अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, क्योंकि एक ब्लू चिप कंपनी है और आईटी सेक्टर का स्टॉक है। देखिए, ये टीसीएस है और टीसीएस यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो दोबारा हो सकता है कि इस लेवल पर हमें ना मिले जिस लेवल पर ये स्टॉक अभी मिल रहा है। अभी इसका करेंट प्राइस देखिए 3297 रुपीज है और इसका जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ये देखिए रेसिस्टेंस सेकेंड टाइम्स है, पिछले बार मतलब इससे पीछे जो है उस बार भी ये लगभग इसी प्राइस के आसपास यहां से रिजेक्ट हुआ था, तो ये रेसिस्टेंस लेवल है 3350। इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है इस प्राइस के ऊपर, तो उससे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीसरी बार है और यहाँ से मार्केट में गिरावट हुआ, उस कारण से ये यहाँ पर गिरावट हुआ इस स्टॉक में, नहीं तो यहाँ से ये स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेकआउट दे देता पिछले ही दिन। तो अगर यहाँ से ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ से 10% निकलता है, जो कि होगा आपको 3700 रुपीज़ मतलब उसे थोड़ा सा आप आगे पीछे ले सकते हैं। वहीं जो स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 2990 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लेना है। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस होगा 3160 रुपीज़ इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस बुक कर सकते हैं। वहीं जो अभी करेंट प्राइस है यहाँ पर पहले ब्रेकआउट होने देंगे तब जाके एंट्री करेंगे, तो ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये स्टॉक यहाँ से रैली करता है तो जो पहला टारगेट होगा आपको बता ही दिया 3700, लेकिन यहाँ पर ये रेसिस्टेंस भी फेस कर सकता है 3500 पर, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल निकलता है, तो यहाँ पर हो सकता है समय के लिए यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करें 3500 पर, फिर यहाँ पर सस्टेन करने के बाद यहाँ से आपको टारगेट अचीव कर सकता है। लॉन्ग टर्म में ये 4000 का भी स्टॉक हो सकता है, बहुत ईजी है इस स्टॉक के लिए। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा बोनस शेयर भी देता है, लेकिन ये इन्फोसिस से थोड़ा कम बोनस शेयर देता है, ये भी याद रखिएगा। टीसीएस लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बोनस देता है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। आपको हर लेवल मैंने बता दिया, अगर आप करेंट लेवल पर आप इंटर करते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए वो भी 3160 के नीचे क्लोजिंग बेसिस होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं तो 2990 इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा लॉन्ग टर्म के लिए, और टारगेट पहला जो होगा 3700, और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक 4000 भी रीच कर सकता है। 4000 एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल है जहां पर निश्चित रूप से स्टॉक रेसिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसके कारोबार की बात करें तो पिछले दिन जो कारोबार हुआ है स्टॉक में उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर जो करेंट प्राइस है 3303 रुपीज़, तो 14 रुपीज़ ये स्टॉक डाउन था क्योंकि मार्केट में गिरावट था, इसी कारण से इस स्टॉक में भी गिरावट देखने मिला। तो यहाँ से हो सकता है और गिरावट दिखाए या तो ब्रेकआउट दिया तो फिर ये स्टॉक नीचे के प्राइस में मिलना मुश्किल होगा। वहीं स्टॉक ने 3358 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई बनाया है और 52 वीक लो है 2000 रुपीज़ का। अगर बात करें ट्रेड का तो लगभग 3380,000 क्वान्टिटी जो है ट्रेड हुआ है, जिसमें से 1,57,893 क्वांटिटी जो है डिलीवर हुआ है, मतलब डिलीवरी में लिया गया है। डिलीवरी का परसेंटेज लगभग 55% है, तो लगभग 55% जो क्वांटिटी वो डिलीवरी में लिया गया है, तो काफ़ी बेहतरीन ये स्टॉक है। और इस स्टॉक में ब्रेकआउट अगर होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस अपना एकदम रिस्ट्रिक्ट रखें अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस को फॉलो करें। दोस्तों, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस को ज़रूर फॉलो करें, नहीं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमने इस लेवल पे फंस चुका है इस स्टॉक में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं तो मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ से हो सकता है स्टॉक में मार्केट में अगर बहुत बड़ा करेक्शन आता है तो और ज़्यादा गिरावट हो, लेकिन ये सब स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है। या तो आपको स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लेना है तो आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, जैसे आपको 100 क्वांटिटी लेना है तो आप अभी 20 क्वांटिटी ले लें और नीचे गिरता है तो वहाँ पर एवरेज करें, या ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर एवरेज करें, तो इस तरह से आप भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि TCS एक बेहतरीन मल्टी बैगर स्टॉक ब्रेकआउट देने जा रहा है, तो आपके लिए ये लास्ट चांस हो सकता है इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाय करने का, इन्वेस्ट करने का। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।